नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज चैनल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। लंबे समय से कर्नाटक चुनाव को लेकर चर्चाएं चल रही थी और बीते दिन कर्नाटक में एक ही दिन में मतदान हो गया। जब से मतदान हुआ है तब से यही चर्चा चल रही है कि आखिर कर्नाटक में किसकी सरकार बनेगी। जी हाँ, हर जुबान पर बस यही सवाल है कि आखिर कर्नाटक में कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी। वैसे तो कर्नाटक चुनाव के नतीजे 13 तारीख को सामने आने वाले हैं, लेकिन सबकी नज़र एग्जिट पोल पर टिकी हुई है, जिसमें किस पार्टी को बढ़त मिल रही है, किसकी सरकार बन रही है, वो भी आपको बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों पर कौन जीतेगा, इस पर सब क्या कह रहे हैं। 13 मई को आने वाले नतीजों को सबका इंतज़ार है, लेकिन इस बार चुनावों में कर्नाटक की जनता ने रिकॉर्ड बना दिया है जो पिछली बार से भी ज़्यादा है। चुनाव आयोग से मिले आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक में इस बार 72% वोटिंग हुई है, लेकिन यह वोटिंग प्रतिशत और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि इसमें पोस्टल वॉलेट और होम वोटिंग का आंकड़ा शामिल नहीं किया गया है। तो वहीं नज़र डालें तो 2018 के चुनाव में 72.44% और 2013 में 71.83% वोट पड़े थे। इस लिहाज से देखें तो वोटिंग फीसदी में मामूली बढ़त हुई है। अब डालते हैं तमाम मीडिया के सर्वे पर नज़र, जिसमें तो आज तक के सर्वे के अनुसार कांग्रेस को 122 से 140 तक सीटें मिलने का अनुमान है, बीजेपी को 62 से 80 तक, जेडीएस को 20 से 25 और अन्य के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। फिर नंबर आता है जी न्यूज़ का, जिससे 103 से 118 तक सीटें कांग्रेस के खाते में जाती नज़र आ रही हैं, बीजेपी के खाते में 79 से 94, जेडीएस के खाते में 25 से 33 और अन्य में 2 से 5। फिर आपको बताएं News24 के सर्वे के बारे में, जहां कांग्रेस को 120 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, बीजेपी को 1, जेडीएस को 12 और अन्य को 0। टाइम्स नाउ के सर्वे पर बात करें तो कांग्रेस को 106 से 120 तक सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 78 से 92 तक सीटें मिल सकती हैं, जेडीएस को 20 से 26 तक, अन्य को 2 से 4 तक सीटें मिल सकती हैं। इसी तरह अगर बात करें न्यूज़ नेशन की तो कांग्रेस को 86, बीजेपी को 114, जेडीएस को 21 तथा अन्य को 3 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टीवी सर्वे की बात करें, कांग्रेस को 110 से 120 तक सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 80 से लेकर 90 के बीच में और जेडीएस को 20 से 24 तक तथा अन्य को 1 से 3 तक सीटें मिल सकती हैं। एशियानेट की बात करें तो 91 से लेकर 106 तक सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं, बीजेपी के खाते में 94 से लेकर 117 तक, जेडीएस को 14 से 24 तक सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 0 से 2। अब हम TV9 भारतवर्ष के एग्जिट पोल की बात करें तो कांग्रेस को 99 से लेकर 109 तक सीटें मिल सकती हैं, वहीं बीजेपी के खाते में 88 से 98 तक सीटें, जेडीएस के खाते में 21 से 26 तक सीटें तथा अन्य के खाते में 0 से 4 तक सीटें मिल सकती हैं। एबीपी के सर्वे की बात करें तो यहां कांग्रेस को 100 से 112 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं, बीजेपी के खाते में 83 से 95 और जेडीएस के खाते में 21 से 29 और अन्य की 2 से 6 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। ये थे तमाम सर्वे जिनकी चर्चा हो रही है, जिनके आधार पर यह लग रहा है कि ज़्यादातर सर्वे में कांग्रेस की सरकार बनती नज़र आ रही है। लेकिन आखिरी फैसला तभी होगा जब 13 मई को वोटों की गिनती होगी और फाइनली पता चलेगा कि कर्नाटक में किसकी सरकार बनेगी।